भोजपुर पुलिस की लगातार बालू के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की कड़ी में जो है एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए बुलाई गई है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि लगातार पहले से भी भोजपुर पुलिस के द्वारा कई बार शराब बालू माफियाओं को पकड़ा गया और टोकलेन जब्त की गई, गाड़ियां जब्त की गई और रोड पे कई बार बड़ी बड़ी ट्रकों जो है को जब्त किया गया और दो तीन बार हुआ कि एक बार लगभग 4 करोड़ के आसपास, एक बार 5 करोड़ के आसपास फाइन भी किया गया और छोटी छोटी कार्रवाइयाँ लगभग पर डे हमारी ज्वाइंट जो टीम है उसके द्वारा होती रहती हैं। और उसी कड़ी में जो है कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोइलवर थाना क्षेत्र के जो सोन का क्षेत्र है उसमें कुछ जगह जो है अवैध बालू खनन जारी है और खास करके जो अभी पानी का स्तर बढ़ गया है तो पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण जो है ये नाव जो होती है नाव के माध्यम से टोकलेन ला ला के जो है रात्रि में जो है ये लोग चोरी छुपे जो है उत्खनन का कार्य जो है अवैध रूप से कर रहे थे। तो ऐसी आसूचना पे तत्काल जो है सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में जो हमारा कोइलवर जो थाना है कोइलवर थाना अध्यक्ष और हमारी विशेष जो टीम ने थी शाम को जो छापामारी करते हुए जो है और लगभग 10 के आसपास पोकलेन को हम लोग जब्त किए थे। एका पोकलेन नहीं आ पाए लेकिन 9 पोकलेन को हम लोग जो है मतलब काफ़ी मशक्कत के बाद जो है उनको जब्त किया और खनन टीम के साथ उनको लाके जो है उनके खिलाफ प्रॉपर जो है प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो है उनको पार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार जो है ये भोजपुर में अभी काफ़ी समय बाद ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई पोकलेन के खिलाफ हुई क्योंकि इससे पहले 3, 4, 5, 6 के आसपास पोकलेन जब्त होती थी लेकिन इस बार 9 पोकलेन हम लोग जब्त करके लाए हैं और एक लाने की हालत में नहीं थी तो वहीं पर छोड़ दिया गया। और जो भी इसमें जो माफिया लोग सक्रिय हैं उनकी जो पोकलेन के साथ जो है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस बार न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि ऐसे लोगों जो भी चिन्हित हैं उनका जो है सत्यापन करते हुए उनके जो संपत्ति के जो है अटैचमेंट के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो विधि कार्रवाई जो भी इसकी प्रोसेस है उसको पूरा करते हुए उनके खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि जो है अवैध खनन पे काफ़ी हद तक आगे ज़्यादा हम लोग रोक लगाने में सफल हो सके। क्योंकि जैसे पुलिस की टीम जो है रात का समय था शाम को जैसे पुलिस की गाड़ी या सब देखा वो लोग तो वो लोग नदी का सहारा लेते हुए पोकलेन तो नहीं ले जा पाए तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई जो पुलिस की हुई लेकिन वो लोग पानी में कुछ कूद के नाव के माध्यम से जो है भाग गया था। लेकिन हम लोग उनको चिन्हित कर लिए आसूचना संकलन हो गया है तो बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।